दोस्तों आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो शैल चतुर्वेदी जी ने लिखी है और जिसका टाइटल है चल गई। इसमें एक शख्स अपनी आप बीती बता रहा है जिसकी एक आंख अपने आप चलती है, जैसे आजकल बाबा रामदेव की चल रही है। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। वैसे तो मैं एक इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, किंतु अपनी बाई आंख से परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुलेखा, उसने हमको देखा, चल गई। लड़की मचल गई, क्लास के बाहर निकल गई। कुछ देर बाद हमें याद, प्रिंसिपल साहिबा ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाया। हमने बोला जी भूल हो गई, वो बोली ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती, गंदी हरकत करते हो स्कूल में। हुआ ये परिणाम, कट गया स्कूल से नाम, बामुश्किल तमाम मिला एक काम। तो इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में, सामने थी एक प्यारी सी लड़की खड़ी, अचानक से मुड़ी आंख उसकी हम पे पड़ी, चल गई। लड़की उछल गई, आजू बाजू के उम्मीदवार चौके, लड़की का फसले भौके, मार मार जूते चप्पल, फोड़ दिया बक्कल, हम सर पर पांव रख के भागे, लोग भाग पीछे हम आगे। जल्दबाजी में घुस गए घर में, भयंकर पीड़ा थी सर में, बुरी तरह से हाफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। इतने में घर की मालकिन बोली कौन, हम खड़े रहे मौन। इतने में घर की मालकिन बोली कौन, हम खड़े रहे मौन। वो बोलती कहते हो या किसी को बुलाऊं, वो बोली कहते हो या किसी को बुलाऊं, इससे पहले जुबान हिलाऊं, चल गई। वो लेडी इतनी जोर से चीखी, साक्षात दुर्गा सी दिखी। बात बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी भतीजे मामा, मार मार के चट्टी का बना दिया पजामा, बनियान का हो गया कुर्ता, बना दिया हमारा भुर्ता। न जाने कब तक उन्होंने निकाला अपना रोष, आया जब हमको होश तो देखा अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। इतने में एक सुंदर सी नर्स मेरे दिल पे हाथ रख के बोली दर्द कहाँ है, हम कहाँ कहाँ बताते, इससे पहले कुछ कह पाते, चल गई। नर्स कुछ नहीं बोली, वो तो मुस्कुराने लगी, पर डॉक्टर को खल गई। उनके जाते ही आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय, नहीं जानते आप, भाग जाए चुपचाप, बात बहुत बढ़ गई है, डॉक्टर को गड़ गई है, केस आपका बिगड़वा देगा, और कुछ नहीं तो मरा हुआ बता के जिंदा ही गड़वा देगा। वहां से भागे तो हमारे पिताजी के चुंगल में आ गए, बोले हमसे क्या कहे तुमसे, बेटा कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो। हमने बोला ऐसी क्या जल्दी है, तो कहने लगे गधे हो, ढाई बन के हो गए, बाप के सीने पर लदे हो, वो घर फंस गए तो संभल जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। तो भगवान से मिलके देखने लड़की, धड़कता दिल ले पहुंचे रुड़की, शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, हमारे सर पे हाथ फेर के बोली बेटे यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, इससे पहले तकलीफ बताते उनको कुछ कह पाते, चल गई। वो मुस्कुराने लगी, बोली बेटा इतना ही एक्साइटेड हो तो लड़की को बुलाऊं, इससे पहले जुबान हिलाऊं, चल गई। दोबारा उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, झटके से खड़ी हो गई, हमारे और हमारे पिताजी के प्लान को धो गई, जैसे गए थे वैसे लौट आए, दोनों के दोनों मुंह लटकाए, आते ही हमारे पिताजी हम पे भर के बोले बेटा अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, हमें तो लगा दिया ठिकाने से, भगवान जाने कैसे चलाते हो, जहां भी जाते हो कमीने पिटके ही आते हो, एक काम करो हमसे नाता तोड़ लो, और अगर वो नहीं कर सकते तो ये अपनी आंख फोड़ लो। अब आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती थी जो ये आंख अपने आप चलती थी, इस प्रॉब्लम को आप सुलझाइए और कोई लड़की ढूंढ के बताइए, कोई लड़की जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, बस आप उसकी भी चलने चाहिए ऐसी पता लगाइए और उससे हमारा विवाह करवाइए। धन्यवाद।